इसके पीछे रेंज नहीं आएगी अब नेटवर्क। अच्छा यहाँ यहाँ लास्ट है, लास्ट चुंडा बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब अगर फोन करना हो तो मिल जाएगा। स्टार्ट कर दिया है सत्थर के लिए, और ये हमारे साथ हैं आज भावेश्वर भाई अपनी आर्बन फाइव पे, और अपने बीच बैठे हैं विशु भाई। नौ सौ अस्सी तो सी टंकी फुल। तो अभी हम सेट कर रहे हैं अपनी ट्रिप। जियो भी जीरो, अभी टाइम है 10:05 सुबह के। अभी हम लखनपुर पहुंचने वाले हैं। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे वाले रास्ते से, और अभी हम लखनपुर है, लखनपुर वाले रोड को छोड़ के हम जा रहे हैं दूसरे माधोपुर वाले रोड से, वो है 181, और जो दूसरा वो है 184, और ये थोड़ा गंदा रोड है क्योंकि हमने पहले भी देखा हुआ है, तो हम दूसरा रोड लेंगे। पंजाब में एंटर करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस पठानकोट, और यहाँ खड़े हैं पीपी पुलिस वाले, पंजाब पुलिस। चढ़ जाओ चढ़ जाओ ऊपर। वेलकम टू माधोपुर मिलिट्री स्टेशन। तो मिलिट्री एरिया आ रहा है, कैमरा बंद कर देते हैं। तो ये रंजीत सागर डैम 16 डलोजी 74। तो हम जा रहे हैं अब यहाँ से लेफ्ट अपनी मंजिल के थोड़ी और करीब, सरथल वी आर कमिंग। क्या हाल भाई? अरुषु भाई तैयार हो सारे पहुँचने के लिए सरथल? वेरी गुड भाई, आए हैं अपनी R15 पे, बहुत ही हिम्मत वाले भाई हैं। देखो कब तक नहीं भाई के हाथ चलते हैं, और ये देखो वो डैम है, लश ग्रीन फॉरेस्ट। पहले स्टॉप से निकलते हुए हम खड़े होकर चला रहे हैं सैडलिंग। नीचे को डलोजी का रास्ता सीधा गया, हम ये रास्ता अटल से तू यहाँ से 10 किलोमीटर। ठीक है भाई, वाओ अटल से तू आ चुका है। यहाँ पे पंजाब खत्म होते हुए ये एंड किलोमीटर से एंटर कर रहे हैं। ये अटल सेतु, इसके इस साइड है अपना बसोली, और इस साइड है दनेरा। और एक अब जब हम आ रहे थे यहाँ हमारा फ़ैन मिल गया, उसने DSLR से हमारा फ़ोटो खींच दिया, अब हम उसे मांगने नहीं है यार, बस यही गलती होगी। और वहाँ आगे पुलिस की चेक पोस्ट है, पता नहीं क्या चेक कर रहे हैं, चलते हैं। Thank you.
निकल चुके हैं और आगे पुलिस चेक पोस्ट है बसोली का, देखते हैं रोकते हैं नहीं रोकते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी, कुदर इधर अंदर कमरे अंदर बाहर बैठे हैं। ये बोल रहे हैं एंट्री करवानी है। थैंक यू मैम। बनी यहाँ से 85 है, लेफ्ट ले लिया हमने। तो भाई बॉलीवुड से कुछ सितारे आए थे, वो डर गए हमको देख के। रोड और वेदर दोनों ही एक नंबर हैं। जहाँ पे भी ये लिखा आ गया ना BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, फिर तो आपको कोई टेंशन ज़रूरत नहीं है रोड की, क्योंकि BRO बनाता है एक नंबर रोड। तो आगे लगा हुआ फिल्टर, नेचर फिल्टर। यहाँ पे धूप है, वहाँ देखो गलत है। आप देखो हम शाम में जाने वाले हैं और यहाँ से हम आगे हैं शाम में, आप सर्दी पड़ेगी। पीछे लाइट ग्रीन था, आप बिल्कुल ऐसे डार्क ग्रीन हो गया हुआ। भूख लगी थी, प्यास लगा था, सब कुछ हट गया। देखिए ढूंढ के आगे हम स्टॉप ले रहे हैं, देखो क्या मिलता है। प्लेटें देख के रुके हैं, अब क्या पता वो नहीं हो कुछ। विश्व भाई गलत बोल रहे हैं, गलती फील भाई। आपको ऐसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ सोनमर्ग वाला से थोड़ा वो लग रहा है। नाइस, दुकान में है ही कोई नहीं। मैगी खाई भाई इधर, गलती मैगी थी भाई। पहली बार जिंदगी में ऐसा फ्लेवर खाया मैगी का। नींबू अचार था डाला था भैया ने उसके अंदर। स्लश आ गया भाई। वाओ भाई वाओ, खतरनाक ही भाई, खतरनाक ही है। बड़ा स्लिप है भाई रोड पे। चलो जी पार हो गया। जाते जाते उड़ गई बारिश, अब पता नहीं ऐसे टीन के ओके में रुके आंटी ने चाय भी ले। बारिश हो गई बंद, सीट हो गई गिल्ली। निकलते हैं अब यहाँ से। यार ने हंसना बंद कर दिया, बारिश बंद हो गई। पुराने पुल पे कर
कठुए हैं। स्वागत है मैं NHPC क्लीन पावर हाइड्रो पावर। यस द जम्मू कश्मीर बैंक बनी क्या दो दिन बोला उसने पुल कर दिया भाई लोगों ने ब्लॉक चल रही है यहाँ पे आर्क वेल्डिंग और सामने साइड उन्होंने खड़ी कर दी है JCB कि कोई यहाँ से जाए तो वहाँ नहीं जा पाए वहाँ से यहाँ नहीं आ पाए। क्रिएटिव पीपल। आधा घंटा हो गया भाई अब बोला वेल्डिंग ये देखो मेरी वेल्डिंग वाकई यार क्या वेल्डिंग करते हैं टाइम हो गया 3:50 आधा घंटा अपना वेस्ट हो गया पुल पे वेल्डिंग कर रहे थे ना चचू जी बहुत अच्छी वेल्डिंग की चाचू ने ऐसी वेल्डिंग की है कि कल फिर से करने पड़ेगी उसी जगह पे। विशु भाई फॉर्म में आते हुए बहुत ही उत्साहित हैं और यहाँ नई सड़क पड़ रही है बैठा कोई चक्कर नहीं है ओ बैठे रह यार थोड़ा सा पानी है तो हो गया ये तो कुछ भी नहीं है तो भाई वो लखनपुर सर्कल डिवीजन अथॉरिटी वेलकम्स यू टू एट लवांग पहुंच गए हम और यहीं पे हैं सेवन फॉल्स में एक फॉल से दूसरे में तीसरे में चौथे पांच में छह में ऐसे पानी पड़ता है दिखाते हैं आपको सेवन फॉल उस पुल से ये कट कुट मार मूर मूर के यहाँ तक आने में 15-20 मिनट लग गए भाई रोड इन्ना गंदा कोई हिसाब नहीं हैं व्यू तो वर्थ इट एवर खतरनाक रास्ता विशु भाई को बहुत काली पड़ी हुई है और ये बाइक लगी है यहाँ पे थोड़ी रेस्ट करते हैं यहाँ पे बस हो गई चला जा के आ रहे थे मिल ओ सेवन फॉल्स देखे सेवन फॉल देखे हाँ बिचुए देखे बिचुए ही देखे सेवन फॉल ओ देखे ये नहीं है भाई TRC में लगी इसी रोड पे आएगा सर हाँ बस इधर से पुल आएगा नहीं आगे अच्छा पुल लोग का पुल क्रॉस करना ही नहीं एक रोड जाता है ऊपरली साइड एक नीचे को लिंक रोड बस लिंक रोड जाने आगे इसी तक TRC आ जाएगी इसके पीछे रेंज नहीं आएगी अब नेटवर्क अच्छा यहाँ लास्ट है लास्ट चुंडा बोलते हैं यहाँ पे ठीक है अब अगर फोन करना हो तो यहाँ पे आना पड़ेगा हाँ सर इधर आना ठीक है आप यहाँ रहते हो क्या मैं इधर लवांग में रहता हूँ हम घास काटते हैं अच्छा ये जो ये सेवन फॉल्स है इसका रास्ता कहाँ से है ये है नीचे से इधर कहाँ नीचे से इधर से नीचे उतरना है ऐसे अच्छा तो वहाँ से सामने दिखता है क्या सामने नहीं थोड़ा नीचे जाना पड़ता है वहाँ से तो सामने दिखेगा ना उधर से सामने नजर आता है वहाँ से तो सामने दिख रहा था यहाँ से कैसे दिखेगा सामने यहाँ का नीचे जाना है नीचे जाके चलो ठीक है भैया थैंक यू आप कहाँ रहते हैं सर कठुआ कठुआ अपनी अपना डिस्ट्रिक्ट है अपना ही है बूस्ट थर्थल डेवलपमेंट वेलकम्स यू एट थर्थल थैंक यू थर्थल पहुंचते हुए टाइम हो रहा है 4:55 सुबह निकले हम 10:10 पे
जिसमें से कि हम लगा लो आप कोई एक डेढ़ घंटा रुके होंगे, चाहे अपने मजे के लिए, चाहे पुल पे वेल्डिंग हो रही हो। इस टाइम हम सर्थल पहुंच चुके हैं, बस अब कोई रहने का डेरा रखेंगे अपना, उसके बाद दिखाएंगे आपको नज़ारे। शर तो ये देखो अपने मोटरसाइकिल की हालत, इतना गंदा नहीं है ये बाइक का, कुछ ज़्यादा ही गंदा है। ऊपर से ऐसा लग रहा है चिड़ियों ने बिठा हुआ है इस पर। गलती है भाई, गलती है। ये देखो सफ़ेदी करवाई है भाई ने अपने घर पे। बैंगिन अपना वाला नहीं हुआ यार, गंदा नीचे नीचे से गंदा हुआ है। अंकल से पूछते हैं ये भाई जान, ये टीआरसी कितनी दूर है यहाँ से? टीआरसी कौन सा? ये रास्ता कहाँ से है उसका? पुल से नीचे होना है। लोगों ने यहाँ पे कंबल लिए हुए हैं अपने ऊपर, और इधर बिशु भाई निकल ले गया है घर से नाइट स्टे करना सर्थल में। भाई क्या चीज है, कुत्ता क्या है भाई? आगे एक कुत्ता जा रहा है, इसको देखो। रूम देखो भाई कितनी बड़ी है, मुंह में इसने कुछ डाला हुआ अपने। हेलो बड़ी बड़ी, ये क्या लेके जा रहे हो भाई? वाओ भाई, टीआरसी का रास्ता भाई बोल रहे हैं, जो उसने मुंह में डाला उसको छोड़ के हमको ये टक मारेगा। ऐसे कैसे? ठीक है बड़ी, बाय बाय, थैंक यू। नीचे रास्ता बोला इन्होंने, ये ऊपर जो रास्ता जा रहा है ये भद्रवाह जा रहा है, जो नीचे जा रहा है ये जा रहा है अपना रेस्ट हाउस इधर। टू पार्किंग साइड ऑफ टीआरसी, मुश्किल ही होगा भाई यहाँ कमरा, मेरे को लग रहा है। पूछते हैं टीआरसी में जगह नहीं मिली, अब इसमें जा रहे हैं सर्थल व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट। कमरा रास्ते में लग रहा है। कौन सा भाई? टीआरसी में जगह नहीं मिली, अब इसमें जा रहा है सर्थल व्यू रिजॉर्ट एंड रीसेट। सैटरडे के कारण टीआरसी में रूम मिला नहीं, यहाँ मिला, तो अब कुछ खाने जा रहे हैं। बाइक लगी है बाहर अपनी, ये सर्थल वैली, वो टीआरसी, और टीआरसी कमरा नहीं मिला उससे आगे रह रहे हैं हम सर्थल होटल एंड रिजॉर्ट। और अभी हम बाइक के पास आए हैं, तो अभी पकोड़े चाय और राजमा चावल ऑर्डर दिया। पकौड़े भी आ गए भाई, चाय पकौड़े, सुबह से निकलने में चाह रहे।